स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे, जिसके लिए उनकी केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरियों को लेकर आने वाली समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निदान किया जाए। कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति के बाद भारत में निवेश बढ़ाने को लेकर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे मौजूदा भूमि प्लॉट्स और भूमि खंडों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं और उन्हें इस काम के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए। राज्यों से कहा गया है कि वो निवेश बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करके इस पर तत्परता से काम करें। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से सुधार कार्यक्रमों की गति को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 25.19% हो गई है, जो 14 दिन पहले 13% थी। वहीं देश भर में कोरोना से 3.2% मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से 78% मरीजों को कोई ना कोई दूसरी बीमारी थी या फिर वो उम्र दराज थे। वहीं कोरोना संक्रमण का जो डबलिंग रेट है वो 11 दिन हो गया है, जो लॉकडाउन से पहले 3.4% था। कुछ राज्यों में डबलिंग रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। संयुक्त निगरानी की वजह से कोरोना की स्थिति पर काबू पाने में सरकार को काफी हद तक सफलता मिली है और इस समय 9 लाख संदिग्धों पर सरकार की पैनी नजर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने देश के प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ संवाद किया। उन्होंने कोविड-19 और लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर व्यापक चर्चा की, साथ ही इस संकट से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं पर विचार विमर्श किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद थे। कोरोना संकट के बीच भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक 87 देशों को वाणिज्यिक आधार पर 2.8 मिलियन HCQ टैबलेट और 1.9 मिलियन पैरासिटामोल की गोलियां प्रदान की हैं। भारत ने मदद मांगने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मालदीव और कुवैत में टीमें भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीन से प्राप्त टेस्टिंग किट का ICMR परीक्षण कर रहा है। हमारी प्राथमिकता तेजी से टेस्टिंग किट बढ़ाने की है और विदेश मंत्रालय सशक्त रूप से इसमें मदद कर रहा है। वहीं कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की और साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से क्लास शुरू की है। दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल पर 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की गई हैं। DD स्वयंप्रभा चैनल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हर रोज 2 घंटे कक्षाओं का प्रसारण करेगा और हर क्लास की अवधि 30 मिनट होगी। उसी दिन शाम को इसका फिर से प्रसारण किया जाएगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की कक्षाओं को प्रमुखता दी गई है। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को सम्मान और हक दिलाना है। 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत एक क्रांति के रूप में हुई थी। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।